सरायकेला खरसावां जिले में युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से आईटी, हेल्प डेस्क, सिलाई सहित कई प्रकार के विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। युवाओं का मानना है कि प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलेंगे। हम लोग अपने लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं और आगे चल के इसी में सीख करके जॉब करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और मैम भी बहुत अच्छा हम लोग को समझाती है, अच्छा सिलाई करवाने सिखाती है और हम प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को थैंक यू कहना चाहेंगे। और हम बहुत जॉब के लिए बहुत इधर उधर गए लेकिन हमको नहीं मिला, लेकिन इस SMO का कारण हमको अच्छा से जॉब मिलेगा और ये असेसमेंट में पास होकर हम आगे जॉब करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम वेरी थैंकफुल टू द PM, टू द प्रधानमंत्री, मीन्स उनके वजह से आज हम यहाँ आ पाए, उनके वजह से वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ नॉलेजेस। एंड IT से रिलेटेड हमने बहुत कुछ नॉलेज जाना है, मतलब एक बेसिक, फ्रॉम बेसिक टू द हाई लेवल हर एक चीज़ के बारे में हमने जाना है। और यहाँ पर किसी भी चीज़, हर एक चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट, यहाँ पर सिर्फ IT नहीं, हर एक चीज़ के कोर्स के बारे में बताया जाता है। जैसे उधर युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही प्रिया कुमारी का कहना है कि सरकार द्वारा इस प्रकार की योजना से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के साथ साथ अन्य संस्थानों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे बच्चों को ये फायदा होता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद इनको जॉब मिलती है। 3 महीना का यहाँ पे कोर्स होता है, 3 महीना इनको ट्रेनिंग देने के बाद इनका असेसमेंट भी होता है, एग्जाम होता है और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की तरफ से इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिनसे इनको बहुत फायदा होने वाली है। इधर कौशल विकास केंद्र के प्रबंधक कृष्ण कुमार का कहना है कि कम पढ़े लिखे महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए भी है कि जो भी यूथ जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे या जो दिशा नहीं मिल पा रही थे, तो हम लोग उनको एक सही दिशा दे के उनको लाइफ और करियर में थोड़ा सा ग्रूम कर रहे हैं और उनका रोजगार या स्वरोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जिले के अधिकांश युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।